काला ढूंगी में आवारा पशुओं के आतंक से निजात पाने के लिए युवाओं ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से नैनीताल जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गौशाला बनाने की उन्होंने अपील की है। दरअसल आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पशु दिन भर सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। भविष्य में दुर्घटना ना हो, इसकी संभावना लगातार बनी रहती है। इसको लेकर के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया, परंतु इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। काला ढूंगी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। लड़ूंगी क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक फैल रहा है, जिसके चलते बहुत सारी दुर्घटना घटित हो रही है और साथ ही कालाडूंगी जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गत कुछ दिनों पहले इस संबंध में संबंधित कार्यालय में सूचना दी गई, बट उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। और कुछ दिन पहले भी एक गाय इस पर घायल हुई, जिसका इलाज कराया जा रहा है। तो आज हमने जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई हो और साथ ही इनका गौशाला या कहीं मतलब कहीं पर इनके रहने की व्यवस्था कराई जाए। लोगों द्वारा यहाँ पर मुझे जो कार्य क्षेत्र में आवारा घूमते पशुओं के रिगार्डिंग ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को संबंधित, मेरे द्वारा इसमें एक ज्ञापन तो प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका EO से बात करी जाएगी और जहाँ जितना भी संभव हो सकेगा उनको हम गौशाला या गौसदन में भेजने की कार्रवाई करेंगे।